मुझे कई बार बहराइच के चितकोड़ा नाम के उस स्थान में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां पर जो स्थान आज भी, जहां की माटी आज भी महाराज सुहेलदेव के शौर्य पराक्रम की गाथा को आज भी कहती है। लेकिन इस गाथा को यह देश स्मरण कर सके, इस बात का आभास में हो सके, इसका प्रयास ईमानदारी से नहीं हो पाया। यह प्रयास अगर हुआ तब जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी उस स्थान पर जाकर के महाराज सुहेलदेव की एक प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में वहां पधारे थे। राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के समय ही वहां हो पाया, और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे आह्वान करूंगा। एक तरफ हम कहते हैं महाराज सुहेलदेव के वंशज हैं, और दूसरी तरफ हम लोग उन लोगों के गुमराह में आ जाएं जो लोग इस देश के अंदर मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद घोरी को ही अपना आदर्श मानते हैं। कैसे संभव हो पाएगा? आज हमें तय करना पड़ेगा भारत की व्यवस्था महाराज सुहेलदेव की तर्ज पर संचालित होगी, मोहम्मद तुगलक मोहम्मद गजनवी की तर्ज पर नहीं। और यह तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करते हैं। मैंने बार बार इस बात का उल्लेख किया कि चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव का एक भव्य स्मारक बनना चाहिए, वो भारत विजय का एक स्मारक होना चाहिए, एक ऐसा स्मारक होना चाहिए जिस स्मारक से वर्तमान पीढ़ी निरंतर प्रेरणा ले सके।